जाके डिफेंस फ्रेंड, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, झुकना पड़ेगा साहब के आगे, झुकना पड़ेगा। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, जो हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असेंबली की 24 सीटें, मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिंदाबाद जगर मुजी फ्रेंड, जिंदाबाद जगर मुजी फ्रेंड, जिंदाबाद जगर मुजी फ्रेंड, जिंदाबाद। बोलो जी। मैं कैप्टन जुधवीर सिंह चिप, आज जो हम एक रैली कर रहे हैं, मैं इसको प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, वो इसलिए है कि हमारे देश में बड़ा शोर मचा हुआ है, और ये शोर उन लोगों ने मचाया है जिनकी कुर्सियां हाथ से निकल चुकी हैं, अभी उनको बहुत तकलीफ हो रही है। मोदी जी आ गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे वो, मोदी जी ने जो रास्ता पकड़ा है वो दुरुस्त पकड़ा है, दुरुस्त रास्ते पर जा रहे हैं। जो हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्ध है, वो सब हिंदुस्तानी है। आप क्यों इन पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में आकर अपने आप को परेशान कर रहे हो? हिंदुस्तान कहीं नहीं जाएगा, आपको कोई नहीं निकालेगा। ये गलत अफवाहों पर आप मत ध्यान दीजिए। जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान में रहेगा। लेकिन आपको वो लोग जिनकी कुर्सी निकल चुकी है वो तबाह कर रहे हैं, उनकी बातों पर मत जाइए और अपने आप काम करिए, वक्त मत गवाइए, और हिंदुस्तान का जैसे नाम ऊंचा है वैसे रखिए। यही मेरी आपसे इल्तजा है। जय हिंद, जय भारत। पीओजेके की तरफ से ये था कि हमारा जो पैकेज है, जो प्रधानमंत्री लीव से मिला है 2000 का, वो अभी तक इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। हमारी इंतजार इनसे रिक्वेस्ट है कि वो पैकेज हमें सभी मेंबरांस को पूरा दिया जाए। इन्होंने अभी तक 19,000 कुछ लोगों को ही पैकेज दिया है, अभी उसमें बहुत सारे लोग बाकी बचे हुए हैं। 36,000 का आंकड़ा है इनके पास, जबकि 36,000 में से बेस्ट पाकिस्तानी भी है, वो भी 10,000 के करीब है। इन्होंने अभी तक किसी को कोई पैकेज बाकी नहीं दिया, वो पैकेज आज वैसे का वैसा इनके पास धरा हुआ है। रोज कोई ना कोई बहाना हो जाता है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, कल यहाँ प्रॉब्लम होगी, कल वहाँ प्रॉब्लम होगी, और जनता जो है वो जाती है वहां से परेशान होकर के लौट करके अपने घर वापस चली जाती है। ये आप देख लीजिए, आज 2 साल खत्म होने को जा रहे हैं, अब कब जाके वो ये दूसरी किस्त जो है लोगों को डिवाइड करेंगे। लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, फिर सड़कों पे आते रहेंगे, ऐसे ना जाने कितने दिन गुजर गए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको इन्होंने इनकार ही कर दी, उनकी फाइलें उनके पास पड़ी हुई हैं बेचारों के पास, और बहुत सारी फाइलें जो हैं वो अभी तक हमारे ऑफिस में पड़ी हुई हैं। ना ये मंगवाते हैं, ना ही कोई डिटेल करते हैं ऑफिसर कि भाई इनका मसला जो है हल किया जाए, दूसरे दूसरे मसले ये लेके बैठ जाते हैं। हमारा यही है कि हमें जल्दी से जल्दी प्रोटेस्ट हमारा इसलिए होता है कि हमें जल्दी से जल्दी पैकेज हमारा दिया जाए, बस।